हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका शर्मा जी के रिव्यूज में। दोस्तों यहां पे जो है मेरे पास में आ गया है Redmi Note 9। दोस्तों आपको बता दूं, ये जो है एक रिटेल यूनिट है जिसको मैंने जो है वो मी होम से जो है वो परचेज किया है, वो भी दोस्तों फर्स्ट सेल डे वाले दिन। दोस्तों आपको बता दूं, अमेजन से यार मैंने ट्राई किया था, मिल नहीं पाया, काफ़ी कोशिश करी बट एनीवेज मिल नहीं पाया। बट लकीली मुझे जो है वो मी होम चंडीगढ़ इलांते मॉल, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ से मैंने जो है इसको बाय कर लिया। 4GB 64GB वेरिएंट Redmi Note 9 इंडियन रिटेल यूनिट। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है रिटेल यूनिट की अनबॉक्सिंग जो है वो दोस्तों दिखाऊंगा। दोस्तों आपको बता दूँ, इस वीडियो में जो है आपके लिए एक सरप्राइज भी है। तो यार पूरी देखिएगा वीडियो, अगर अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। फर्स्ट टाइम इस चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ दोस्तों बेल बटन भी दबाना, तभी आपको मेरे आने वाली सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगी। दोस्तों तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं ये वीडियो दोस्तों, और करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, एक तो इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा और साथ ही साथ जब इसको जो है हम बूट करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो बैन करी है ऐप्स, क्या अभी भी इंडियन रिटेल यूनिट में वो हैं या नहीं है। अगर दोस्तों मैं सबसे पहले तो आपको दिखाऊं बॉक्स, तो आप यहां पे देख सकते हैं Redmi Note 9 इस साइड लिखा हुआ है, इस साइड भी जो है वो Redmi Note 9 लिखा हुआ है। और यहां पे अगर मैं आपको जो है वो जूम करके दिखाऊं तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं 14,999 इसका प्राइस जो है वो लिखा हुआ है। दोस्तों आपको बता दूं, 4GB 64GB ये जो है वेरियंट है, तीन वेरिएंट में Redmi Note 9 जो है वो लॉन्च हुआ है, 4GB 64GB, 4GB 128GB और 6GB 128GB। इसका प्राइस है दोस्तों 11,999। तो 12,000 में आपको Redmi Note 9 का बेस वेरिएंट 4GB 64GB का देखने को मिलता है। उसके बाद 4GB 128GB है 13,499, 13,500 का। उसके बाद 6GB 128GB है दोस्तों 14,999, 15,000 का। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपको यहाँ पे जो है बैक साइड पे दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Redmi Note 9 लिखा हुआ है। इसमें आपको जो है वो चार कैमरा जो है वो रियर वाली साइड देखने को मिलते हैं। 48 मेगापिक्सल आपको यहां पे जो है वो प्राइमरी सेंसर जो है वो देखने को मिलता है सैमसंग का। उसके अलावा दोस्तों आपको यहां पे जो है वो इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा यहां पे जो है देखने को मिलता है 13 मेगापिक्सल का। हीलियो का G85 प्रोसेसर आपको यहां पे जो देखने को मिलता है, पहला फोन है जिसमें आपको ये प्रोसेसर जो है वो देखने को मिलता है। 6.53 इंच की आपको यहां पे जो है वो डॉट डिस्प्ले यानी कि पंच होल डिस्प्ले यहां पे जो है देखने को मिलती है, वो भी फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में। और डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए यहां पे जो है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 भी आपको देखने को मिलता है। बैटरी की बात करें तो 5020mAh की बैटरी, 22.5 वॉट का फास्ट चार्जर विद इन दी बॉक्स देखने को मिलता है। बट धोखा मत खाना, जो इसमें जो है आपको 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, 22.5 वॉट सिर्फ आपको जो है वो चार्जर ही देखने मिलता है। कैमरास की आप यहाँ पे जो है स्पेसिफिकेशंस देख सकते हैं, 48 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा के साथ में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस वाला कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा, तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलता है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मेड इन इंडिया का ठप्पा लगा है। थोड़ा सा और डिटेल में बता रहे थे कि हर एक पार्ट जो है वो मेड इन इंडिया ही है क्या। तो यार चलो अब यार ज्यादा जो है वो टाइम वेस्ट नहीं करते और जल्दी से जो है इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। और क्या बोलेंगे दोस्तों, खुल जा सिमसिम। तो खुल जा सिमसिम बोलते हुए हम जो है Redmi Note 9 ग्रीन कलर 4GB 64GB इंडियन रिटेल यूनिट यहां पे जो है वो ओपन कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं ये जो है हमें बिल मिला है, यहां पे आप देख सकते हैं मी होम चंडीगढ़ 11,999। इसके अलावा दोस्तों आपको यहां पे जो है एक छोटा सा बॉक्स देखने को मिलता है जिसमें आपको सिम इजेक्टर टूल जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको एक बुकलेट वगैरह कुछ मिलती हैं और यहाँ पे आपको जो है एक केस मिलता है, सॉफ्ट TPU केस है यहाँ पे। क्वालिटी दोस्तों इस बार जो है वो अच्छी है, तो कुछ ऐसा आपको यहाँ पे जो है वो TPU केस यहाँ पे जो है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो है ये भाई साहब पड़े हुए हैं Redmi Note 9, इसको जो है एक बार साइड पे रख लेते हैं और आपको जल्दी से जो है वो दिखा देता हूँ कि बॉक्स में हमें क्या मिलता है। यहाँ पे आपको जो है वो USB टू टाइप सी केबल जो है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा एक जैसा कि मैंने आपको बताया 22.5 वॉट का यहाँ पे जो है वह आपको चार्जर देखने को मिलता है। बट दोस्तों आपको बता दूँ और बता ही दिया ऑलरेडी मैंने कि 18 वॉट फास्ट चार्जिंग ये जो है फ़ोन सपोर्ट करता है। इसके अलावा दोस्तों हमें जो है वो बॉक्स में कुछ नहीं मिलता, तो हम जो है वो बॉक्स को एक बार जो है वो साइड पे कर देंगे और इस महाशय को जो है वो आगे ले आएंगे। तो अब जो है इसकी झलक देखने के लिए जो है तैयार रहिएगा। Redmi Note 9 इंडियन रिटेल यूनिट मी होम से बाय किया हुआ। और दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं ये आ गया है ग्रीन कलर में Redmi Note 9। वीडियो में थोड़ा ब्लूइश लग रहा होगा बट एक्चुअल में थोड़ा सा डार्क ग्रीनिश टाइप ये जो है वो कलर है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसी इसकी जो है वो प्यारी सी लुक आती है। और दोस्तों आपको बता दूँ, धोखा मत खाना यहाँ पे, ये जो है इस बार आपको पॉली कार्बोनेट बैग जो है वो रेडमी नोट 9 में जो है वो देखने को मिल रही है। वेयर एज दोस्तों आपको बता दूँ, जो रेडमी नोट 8 था इससे पहले वाला जो वेरियंट, उसमें जो है आपको ग्लास बैग जो है वो देखने को मिलती थी। तो ग्लास बैग होती तो दोस्तों प्रीमियम है, बट अगर हाथ से स्लिप हो जाए तो ग्लास टूटने का भी यहाँ पे खतरा जो है वो बना रहता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं रियर वाली साइड आपको बहुत ही प्यारी यहाँ पे जो है वो लुक जो है वो देखने को मिलती है। 4 कैमरास आपको यहाँ पे जो है वो रियर वाली साइड देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको जो है वो रियर वाली साइड ही यहाँ पे जो है वो देखने को मिलता है। नीचे वाली साइड आपको रेडमी की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। बात करें अगर फ्रंट साइड की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 6.53 इंच की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डॉट डिस्प्ले, जिसको रेडमी जो है वो बोलता है, मतलब कि पंच होल डिस्प्ले। दोस्तों ओवरऑल आपको यहां पे जो है वो पूरी डिस्प्ले ही जो है वो देखने को मिलती है। स्टार्ट मैंने यहां पे जो है वो कर दिया है, और यहां पे जो है आपको ऊपर वाली साइड ये पंच होल आपको यहां पे जो है वो कैमरा देखने को मिलता है। ओवरऑल आपको यहां पे जो है बेजल्स वगैरह भी कितने मिलते हैं वो भी आपको एक बार जो है वो चेक करा दूंगा। बाकी जल्दी से जो है इसका फिजिकल ओवरव्यू भी आपको यहां पे जो है वो दिखा देता हूं। तो यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर बात करें दोस्तों नीचे वाली साइड की, तो यहां पे आपको 3.5 का ऑडियो जैक, उसके साथ साथ में माइक, टाइप सी पोर्ट और स्पीकर ग्रिल यहां पे जो है देखने को मिलता है। दोस्तों यहां पे आप देखिएगा, इस कलर में और इस कलर में थोड़ा सा फर्क है। यहां पे शाइनिंग थोड़ी कम है और प्लास्टिक की है, ये भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है। तो ये चीज़ जो है वो ध्यान में रखिएगा। अगर आपको प्रीमियम चाहिए बिल्ड, तो आप जो है बाकी के फ़ोन्स के साथ में जो है वो जा सकते हैं, रेडमी नोट 9 प्रो वगैरह। और दोस्तों आपको पूरा रेडमी नोट 9 प्रो जैसा ही ये जो है वो रियर वाली साइड देखने को लगता है। अगर बात करें दोस्तों राइट साइड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको पावर ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम रॉकर बटन यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं। बात करें अगर टॉप साइड की, तो यहाँ पर आपको जो है एक सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक और उसके साथ में आपको यहाँ पे जो है आयर ब्लास्टर यहाँ पे जो है वो देखने को मिलता है। मतलब इसकी मदद से आप जो है अपने अप्लायंसेस वगैरह, टीवी वगैरह जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, अपने फोन को जो है वो रिमोट जो है वो बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं लेफ्ट साइड की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो है सिम ट्रे देखने को मिलती है। और आपको बता दूं, यहाँ पे आपको हाइब्रिड नहीं बल्कि डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड का यहाँ पे जो है स्लॉट देखने को मिलता है, मतलब कि ट्रिपल स्लॉट आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलती है। और दोस्तों यहाँ पे ये जो है वो टर्न ऑन हो गया, इसको बूट करने से पहले आपको यहाँ पे जो है वो दिखा देता हूँ कितनी प्यारी यहाँ पे जो है वो फ्रंट में जो है वो इसकी लुक आती है। बस यार मुझे जो है जल्दी से इंतज़ार है कि इसको बूट करके जल्दी से जो है वो ऐप्स देखें, क्या इसमें कोई बैंड ऐप्स है, क्या कोई सिक्योरिटी इशू अभी भी इसमें है या नहीं है, तो ये जो है आपको जल्दी से जो है वो बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपको ये जो है वो 13 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले कैमरा यहाँ पे जो है देखने को मिलता है। बेजल्स आपको यहाँ पे जो है वो काफ़ी मिनिमल जो है वो देखने को मिल रहे हैं। चिन मुझे यहाँ पे जो है थोड़ी सी बड़ी जो है वो लग रही है। इसके अलावा दोस्तों ये जो कैमरा है ना, ये कैमरा यहाँ पे जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। दोस्तों 12,000 में ये फ़ोन जो है वो अभी तक तो जो है वर्थ लग रहा है। तो अब यार जल्दी से जो है वो इसको बूट कर लेता हूँ और जो है आपको दिखाता हूँ फिर कि क्या आता है हमारे सामने इसके बाद। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं एडिशनल सेटिंग्स में मैंने सब कुछ यहाँ पे जो है वो डिसेबल कर दिया है। अब मुझे ये कोई भी ऐप्स जो है वो नहीं करनी, मैं सारी ऐप्स ये भी जो है वो हटा रहा हूँ ये करके, और मुझे मैंने जो है यहाँ पे स्किप कर दिया। चलो सेटअप कंप्लीट हो गया यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, और लोडिंग ऐप्स इसके बाद ये 1-2 मिनट लेगा, और देखते हैं फिर मेन जो हमारी स्क्रीन है उस पर क्या आता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं सेटअप यहाँ पे जो है वो कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट बूट यहाँ पे ये जो है वो डिवाइस हो गया है, और सबसे पहले जो चीज़ हमें चेक करनी है वो आपको जो है मैं दिखा देता हूँ, जिसका बेसब्री से जो है मुझे तो इंतज़ार है ही, और हो सकता है आपको भी यहाँ पे हो। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे क्लीनर तो देखेंगे, सबसे पहले ऐप्स देख लेते हैं। ओ शेट दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो ऐप, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने बैन करी है। तो यहाँ पे आपको ये ऐप जो है मेरे सब कुछ मना करने के बावजूद भी इंडियन रिटेल यूनिट में ट्रैक इन टेक वाले भैया ये देख लेना यार, और बात कर लेना दोबारा शाओमी से। आपको जो है शाओमी ने बोला था, कंफर्म किया था कि रिटेल यूनिट में ये चीज़ जो है वो नहीं आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंड ऐप्स हेलो यहाँ पे जो है वो आ गई है। इसके अलावा यहाँ पे जो है अमेज़न, फेसबुक, WBS ऑफिस, चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रमी किंग यहाँ पे आ गई है। इसके अलावा यहाँ पे क्लीनर में मैं जाता हूँ और एग्री, देन मैं सेटिंग्स में गया, और यहाँ पे जो है वो देखिए ज़रा सेटिंग्स में जब मैं गया डेफिनेशन में क्लीन मास्टर,
क्या है यार ये, क्या है मतलब जो चीज़ यहाँ पे जो है वो बैन करी हुई है, मतलब यहाँ से क्लीन नहीं होगा। दोस्तों आपको बता दूँ कुछ, यहाँ से जब आप क्लीन करोगे ना, यहाँ से क्लीन हो जाएगा और ट्रांसफ़र हो जाएगा चाइना शायद से, ठीक है। तो कुछ ऐसा यहाँ पे हो रहा है, समझ नहीं लग रहा मतलब कि ऐसा क्यों यहाँ पे जो है वो कर रही है शाओमी यार। लिटरली बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं लग रहा। मी पे मी क्रेडिट यहाँ पे जो है देखने में जिल्ली फिल्ली, ये क्या है यार, ये हटा दिए, चलो इसको भी हटा सकते हैं, बट अभी हटाऊंगा नहीं, इसको भी अभी हटाऊंगा, रुको। तो दोस्तों आपने देख लिया यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ पे जो है वो हो रहा है। और आपको बता दूँ मुझे हल्का सा वॉर्म भी ये फील हो रहा है, जी हाँ यहाँ पे मुझे हल्का सा वॉर्म फील हो रहा है। तो ऐसा कुछ दोस्तों यहाँ पे जो है वो देखने को मिलता है। क्लीनर में आपको क्लीन मास्टर जो है वो देखने को मिल रहा है और हेलो ऐप भी यहाँ पे जो है देखने को मिल रही है। तो आप सबसे पहले तो नीचे कमेंट करके दोस्तों बताना कि क्या किया जाए यार अब इसके फ़ोन का, ठीक है। मतलब गुस्सा आ रहा है, वैसे तो 12,000 लग गए मेरे, बट लिटरली अच्छा नहीं लग रहा, गुस्सा आ रहा है सच में इन पे। मेड इन इंडिया का ठप्पा छोड़ो यार, अभी क्या बोलूँ इनको, मतलब मेड इन इंडिया का ठप्पा क्यों लगा रखा है यार, मुझे तो ये नहीं, मेड इन इंडिया का ठप्पा लगा रखा है और इंडिया ने जो बैन करी है ऐप्स वो तुमने इसमें डाल के दे दी यार, लिटरली। दोस्तों अब क्या बोलूँ यार, बट यार मुझे आगे थोड़ा कंटिन्यू करना होगा, आपको दिखाना ही होगा कि बाकी फंक्शंस कैसे हैं। और अगर कोई भी नहीं दिखाएगा तो आपको जो है इसके फीचर्स जो है वो नहीं पता लग पाएंगे। जो जिसने फिर भी ये लेना है, हमारा काम एज अ रिव्यूअर जो है वो बताना है कि भैया क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं, क्या नहीं मिलती हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब कुछ हमारा बताना जो है फ़र्ज़ है। इसके अलावा दोस्तों कैमराज की बात करें, अगर दोस्तों मैं आपको यहाँ पे जो है फ़ोटो क्लिक करके कोई दिखाऊं, वैसे तो दोस्तों मेरा यहाँ पे जो है फुल रिव्यू आएगा कैमरा का बहुत जल्द। बाकी जो भी आपको रिव्यू चाहिए वो मुझे आप बता देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Redmi Note 9 कैमरा, और यहाँ पे ये जो है सिल्वर प्ले बटन हमें जब मिला था, 1,00,000 सब्सक्राइबर हुए थे, और ये फोटो कुछ ऐसी आई है। और इसके अलावा दोस्तों कैमरा में और काफ़ी सारे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं, जैसे कि स्लो मोशन है, शॉर्ट वीडियो है, देन वीडियो मोड है, देन फोटो है, देन 48 मेगापिक्सल के लिए आपको यहाँ पे जो है स्पेशली जाना पड़ेगा, तभी ये जो है 48 मेगापिक्सल फोटो जो है वो क्लिक करेगा। आफ्टर देन दोस्तों जो है वो पोर्ट्रेट है मोड, नाइट है, पैनोरामा है, प्रो मोड है, तो ये सारे मोड्स आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक अगर आपको सेल्फी भी इसी में जो है वो लेके दिखाऊं, हमेशा से शार्पनेस ज़्यादा, तो आपको अच्छी सेल्फी यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रही है, अच्छी लग रही है दोस्तों काफ़ी सेल्फी, मुझे तो लिटरली शार्पनेस यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। 13 मेगापिक्सल आपको यहाँ पे जो है सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ ऐसा आपको यहाँ पे जो है वो फोटो जो है वो देखने को मिलती है। और इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपको यहाँ पे जो है वो साउंड क्वालिटी और इसकी वीडियो जो है वो एक बार चेक करा दूँ कि कैसी आपको यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले जो है वो ओवरऑल देखने को मिलती है, दोस्तों ऐसा आपको यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले जो है वो देखने को मिलती है, ऐसे पिंच करके आप फुल स्क्रीन जो है वो कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है वो कैमरा मॉड्यूल ये कवर होने के बाद ऐसे जो है आप वीडियो जो है वो पूरी चलती है। इसके अलावा दोस्तों मैं अगर साउंड क्वालिटी भी आपको यहाँ पे जो चेक कराऊं, तो साउंड क्वालिटी आपको यहाँ पे जो है वो ठीक मिल जाती है अगर हम जो है इसका प्राइस पॉइंट जो है वो माइंड में रखें। और दोस्तों आप जो है वो बात कर लेते हैं इसके सरप्राइज की, जी हाँ। तो दोस्तों मैं ये फ़ोन Redmi Note 9 गिव अवे कर रहा हूँ और आप में से कोई एक व्यूअर जो है वो इसको जीत सकता है Redmi Note 9 को। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल जो है वो रूल है, वो यार आप ज़रा ध्यान से जो है वो सुन लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों इस चैनल को जो है आपने सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन फॉर ऑल दबाना है ताकि आपको मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि दोस्तों ये चीज़ जो है वो ध्यान में रखो यार, हम जो है वो खुद अपने पैसे से फ़ोन लेके यहाँ पे जो है वो रिव्यू करते हैं, Redmi Note 9 Pro Max हो गया, 9 Pro हो गया, वो सारे खुद के पैसे से लेके हमने यहाँ पे जो है रिव्यू किए हैं। उसके बाद आपने इस वीडियो को जो है वो लाइक करना है, जैसे दोस्तों इस वीडियो पे जो है वो 10,000 लाइक्स जो है वो हो जाएंगे तो 10,000 लाइक्स का यहाँ पे जो है वो टारगेट है। उसके बाद आपने जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही कमेंट करना है दोस्तों, आपने इस वीडियो के नीचे आपने जो है सिर्फ एक कमेंट करना है कि आपको क्या चीज़ जो है वो अच्छी लगी, और एंट्री डन वाला कमेंट अगर होगा
तो उसको यहाँ पे ये जो है वो गिव अवे नहीं करूँगा मैं फ़ोन, जिसका भी कमेंट जो है वो एंट्री डन वाला होगा उसको ये फ़ोन जो है वो गिव अवे नहीं होगा। साथ ही साथ इसका जो गिव अवे होगा दोस्तों वो होगा इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे मैं जो है इसका रिज़ल्ट जो है वो शेयर करूँगा। और अगर दोस्तों मैं चेक करूँगा अगर उस विनर ने जो है वो सब्सक्राइब बटन जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को, तो यहाँ पे जो है वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा बंदा, और नेक्स्ट दोबारा से जो है मैं जो है विनर निकालूंगा और उनको ये फ़ोन जो है वो मिलेगा। हो सकता है दोस्तों वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी बन गई हो, कोशिश करूंगा थोड़ा शॉर्ट करने की, बट अगर लंबी बन गई हो तो थोड़ा माफ़ करना यार प्लीज़ मुझे। वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट जो है वो ज़रूर देना। और कौन कौन सी वीडियोज़ आपको रेडमी नोट 9 के ऊपर चाहिए वो भी दोस्तों बताना। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। फर्स्ट टाइम इस चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ दोस्तों बेल बटन भी दबाना, तभी आपको मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगी। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।